नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेटेड स्टॉक्स पे। दोस्तों अगर आप लोग के पास एंजल वन या फिर जीरोधा का डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके इजीली आप अकाउंट खोल सकते हो। और आज का वीडियो थोड़ा सा दोस्तों मैं अपने तरफ से बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आपको सिखाया जा सके कि मार्केट में डे ट्रेडिंग या ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक अ बिजनेस। आपको ये बहुत सीरियस तरीके से इस बिजनेस को अगर करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट प्रॉफिटेबिलिटी को अगर आपको बढ़ाना है तो क्या आपको करना है, कैसे करना है और कितना प्रैक्टिस चाहिए आपको। दिल से आपको पैशनेट होना चाहिए मार्केट के प्रति, तब जाके आप कर पाओगे। अदरवाइज प्लीज मार्केट से दूर रहे, आपका हर्ड अर्न मनी जो है आपने मेहनत से कमा रहे हो उसको गंवाने से बचे, ठीक है। तो दोस्तों आपको अगर डे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है तो डे ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो आपको इन साइकोलॉजिकल रूल्स को जरूर से जरूर फॉलो करें और जो मैं कह रहा हूँ उसको कोशिश कीजिए कि कैसे उसको प्रैक्टिस करना है और कैसे उसको ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर हावी होने देना है, ठीक है। क्या हावी होने देना है? मार्केट के ईच एंड एवरी रूल्स एंड रेगुलेशंस को, जो आप खुद से डेवलप कर सकते हो या कहीं से आप गैदर कर सकते हो, ठीक है। तो सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों ये चार्ट पे आ गया मैं निफ्टी के लंबे टाइम फ्रेम में, लॉन्ग टाइम फ्रेम में मैं आ गया, ठीक है। बिकॉज लॉन्ग टाइम फ्रेम एक ऐसा टाइम फ्रेम है, लॉन्गर टाइम फ्रेम, इसमें नॉइसेस कम होते हैं, आपको इसमें क्लियर कट एक विजन मिल जाता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ओके टू गो डाउनवर्ड्स और टू ब्रेक अपवर्ड्स, ओके। सो यहाँ पे आपको आईकट बटन में एक वीडियो मिल जाएगा, कल मैंने डाला था, टोटल अबाउट चार्ट पैटर्न्स। सो क्लिक ऑन दिस आईकट बटन एंड वॉच दिस वीडियो एंड कोरिलेटेड विद अदर चार्ट्स। आपको जितने भी जो चार्ट्स आपको मिल रहे हैं, आपको अवेलेबल है, चाहे स्टॉक के चार्ट हो चाहे इंडेक्स के चार्ट हो, आप उसको कोरिलेट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको एक समय ऐसा आएगा आपको इतना ड्रॉ डाउन करने की जरूरत भी नहीं है, आप देखने से आपको पता चल जाएगा यहाँ पे ये सिचुएशन होगी 100% होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको सिंपल सा लेके जाता हूँ कि देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना, ये ट्रेंड लाइन में ये लंबे टाइम ड्यूरेशन की है, मैं शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में भी आऊंगा। तो पहले डे टाइम फ्रेम में देखते हैं, ठीक है। देखिए ये बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, बार बार सपोर्ट ले रहा है और फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, ब्रेकडाउन दिया। अब ब्रेकडाउन देने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, ब्रेकडाउन देने के बाद क्या तुरंत ये नीचे आ गया? आप ब्रेकडाउन देते ही यहाँ पे आपने सेल आउट कर दिया, ठीक है। कभी भी ऐसा सेल आउट नहीं करना चाहिए ब्रेकडाउन देने के बाद, आपको वेट करना चाहिए एक थ्रोबैक या पुलबैक के लिए, आपको जरूर यहाँ पे करना चाहिए। थ्रोबैक अपसाइड ब्रेक में होता है और पुलबैक डाउनसाइड ब्रेक में होता है। तो डाउनसाइड ब्रेक में जैसे ही हुआ ये देखिए यहाँ पे ये नीचे की तरफ आया, गैप डाउन में खोला, फिर जाके एक पुल बैक हुआ, फिर जाके डाउन। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको देखिए ये मैंने कल का जो वीडियो था इसमें आपको साफ साफ बताया गया, देखिए यहाँ पे देखिए साफ साफ बताया गया थ्रोबैक पुल बैक क्या होता है, ठीक है। मैंने पूरा कल का वीडियो जो है टोटल अबाउट चार्ट पैटर्न ही है, टोटल अबाउट चार्ट पैटर्न। देखिए यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है, कहाँ पे हम स्टॉप लॉस एंट्री कैसे होता है, ट्रेडिंग फॉल्स ब्रेकआउट में हमें कहाँ पे क्या स्टॉप लॉस रखने होते हैं, कैसे होता है फॉल्स ब्रेकआउट, एक एक चीज मैंने समझाने की कोशिश की। अगर इतने ये जो कॉमन चार्ट पैटर्न्स को भी मैंने पूरा समझाने की कोशिश की, अगर इसमें अगर आप लोग ये सब वीडियो नहीं देखोगे, आप लोग जो टिप्स होते हैं कि यहाँ पे एंट्री करो यहाँ एग्जिट करो वो आप लोग देखोगे, तो अगर आप लोग ये समझ के मार्केट में रहोगे कि मुझे सिर्फ यही करना है कि कहाँ पे मुझे एंट्री लेना है कहाँ पे एग्जिट लेना है, देन दिस मार्केट इज नॉट फॉर यू फ्रेंड, प्लीज गो टू अनदर जॉब और आराम से आप लोग रहिए, ठीक है। तो देखिए फिर इसने यहाँ से ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया, तो यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर वो ऊपर की तरफ इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए, देखिए इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए ये ऊपर की तरफ फिर से सपोर्ट लेते हुए बार बार गोते खा रहे। अब यहाँ पे मैटर आया, फिर से यहाँ पे एक इसने ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, इस जो ट्रेंड लाइन को इसने, इस सपोर्ट को इसने तोड़ा। अब तोड़ने के बाद कोई आदमी क्या करेगा, जैसे ही टूटा यहाँ पे एंट्री ले लेगा, तो सबसे बड़ी गलती और बेवकूफी है ये, ठीक है, सबसे बड़ी गलती और बेवकूफी है। तो यहाँ से देखिए फिर से ये पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद फिर डाउन आया और अच्छा खासा, जो ये सिचुएशन को रेस्पेक्ट करता है, ये पैटर्न को रेस्पेक्ट करता है, वो तो अच्छा खासा पैसा कमा लेगा। और कोई अगर डायरेक्ट यहाँ पे जैसे ब्रेक दिया यहीं पे उसने एंट्री ले ली,
तो उसको स्टॉप लॉसेस जरूर हिट होगा, होना ही है। ठीक है, तो देखिए इसमें डबल टॉप बना, डबल टॉप बनने के बाद देखिए ये फिर से यहाँ पे डाउनवर्ड आया, यहाँ से ये इसने ब्रेक दिया। अब ब्रेक देने के बाद सीधा फर्स्ट कैंडल इसने अच्छा खासा डाउन दिया, लेकिन यहाँ पे कभी एंट्री मत कीजिए, फर्स्ट कैंडल पे ही कभी एंट्री नहीं करना चाहिए सेल के लिए। ओके, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू वेट टिल पुल बैक और थ्रो बैक। जैसे पुल बैक हुआ फिर देखिए कितना अच्छा गैप डाउन है, किसी ने यहाँ पे एक पी लेके बैठ गया होगा तो जबरदस्त गेन किया, और अगर किसी ने यहाँ पे पी लिया होता और होल्ड करके बैठा रहा तो गेन तो होता, लेकिन उससे ज्यादा क्या होता है, स्टॉप लॉस होने का भी डर बहुत ज्यादा होता। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रीड इन नेचर। आदमी सोचता है कि अगर इतने इतना मिल गया और थोड़ा सा मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, इस चक्कर में उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। सही है, देखिए डबल टॉप मीन्स एम पैटर्न में नीचे ब्रेक डाउन, उसके बाद देखिए रेजिंग वेज, इसे कहते हैं मिड चैनल या फिर रेजिंग वेज। रेजिंग वेज में भी देखिए ये है फॉल्स ब्रेकआउट। फॉल्स ब्रेकआउट में क्या सिचुएशन होता है, कल के वीडियो में मैंने यहाँ पे आपको बताया था। देखिए फॉल्स ब्रेकआउट में क्या होता है, आप लोग थोड़ा सा देखिएगा वीडियो का, कुछ समझ में आएगा। ट्रेडिंग फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट में कहाँ पे क्या सिचुएशन होता है, कैसे क्या हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो फॉल्स ब्रेकआउट में भी देखिए यहाँ से इजीली देखिए यहाँ जिसने ब्रेक दिया, तो जो नए आदमी होते हैं सोचा, या देखिए यहाँ से जो ये जो देखिए इसका पहला रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक करके ऊपर की तरफ किया, अब तो मार्केट आग लगा देगा इस बार, तो आदमी यहाँ पे एंट्री ले लेगा, और एंट्री लेने के बाद ही थोड़ा सा एक कैंडल बना, डे हाई बना, उसके बाद जाके दूसरे दिन आउट नीचे। तो ये तब तक आपको फर्स्ट कैंडल में एंट्री नहीं लेना है, तब तक आपको एंट्री नहीं लेना जब तक ये एक थ्रोबैक नहीं देगा। व्हाट इज थ्रोबैक, यहाँ पे देखिए यहाँ से जो ये रेजिस्टेंस है, इसका जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन में, यहाँ से वो सपोर्ट लेके फिर अपसाइड मूवमेंट ना दे। जब ये इसमें सपोर्ट लेके अपसाइड मूवमेंट दे देगा, दैट टाइम इसके जो यहाँ पे क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग में हमें बाई कर लेना है और आराम से बैठे रहना है, उस समय हमें कोई टेंशन नहीं लेना है। बट ये था फॉल्स ब्रेकआउट, ट्रैपिंग था एक तरह से। तो यहाँ से देखिए नीचे की तरफ, और आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, जहां पे आपने बाई किया, ये जो है ये जो कैंडल है ओपनिंग है ये क्लोजिंग है, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस सेट कर देना चाहिए। ठीक है, और देखिए फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ और नीचे की तरफ ये गया, अभी मार्केट का सिचुएशन यहाँ पे आके खड़ा है। तो अभी लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन में मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में निफ्टी में दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको बैंक निफ्टी में भी दिखाऊंगा कितना अच्छा पैटर्न बन रहा है, क्या बन रहा है। देखिए अब जितना प्रैक्टिस करोगे दोस्त उतना अच्छा रहेगा। देखिए मार्केट कोई गैम्बलिंग नहीं है कि आप हर रोज ये कर पाओगे, इससे अच्छा मौका कहीं है नहीं मार्केट से। अच्छा अब क्या बताऊँ, मुझे खुद मार्केट से इतना प्यार है, अब क्या इससे अच्छा आपको कहीं कुछ मिलेगा नहीं, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। देखिए अब मैं इसको सीधा 15 मिनट का टाइम फ्रेम में लेके आता हूँ। ठीक है, 15 मिनट में टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, ये मतलब कितने पैटर्न्स बन रहे हैं, जोर जबरदस्ती नहीं बना रहा हूँ पैटर्न दोस्तों। मैंने कल के वीडियो में बताया था, जब तक चार्ट में पैटर्न नहीं बन रहा है आपको अपने दिमाग में पैटर्न नहीं ड्रॉ करना है। ठीक है, देखिए कितना अच्छा अच्छा कितना सारा पैटर्न यहाँ पे देखो दोस्तों, जहां देख रहा हूँ मुझे वहां लगभग अच्छे अच्छे पैटर्न मिल रहे हैं। इसमें आपको अपॉर्चुनिस्टिक बनना है। ठीक है, यहाँ देखो एक पैटर्न बन रहा है आराम से, देखो सिंपल सा एक क्लियर कट पैटर्न बन रहा है, ये क्या है, डिसेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, डिसेंडिंग ट्रायंगल में एक अपसाइड, देखिए कल का वीडियो में मैंने बताया था, प्लीज वो वीडियो देखिए आपको मिल जाएगा, आपको अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा। यहां से वीडियो, सॉरी यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ देखिए डिसेंडिंग ट्रायंगल है, तो यहाँ पे इसने क्या किया, एक अच्छा सा ब्रेक दिया, लेकिन आपको कभी भी इस ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेना है। आपको कब एंट्री लेना है, जब ये देखिए एक थ्रोबैक लेगा, थ्रोबैक क्या, जब इसका जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस पे ये सपोर्ट लेके अपसाइड भागेगा, तब आपको एंट्री लेना है। देखिए एक सपोर्ट लेकर अपसाइड लिया, तो आपका जो ये जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग मतलब इसका जो सॉरी क्लोजिंग था, इस क्लोजिंग पे ही आपको यहाँ पे एंट्री लेके बाई पोजीशन लेके होल्ड करना है, और बाई पोजीशन लेके होल्ड करके देखिए गैप अप दिया खतरनाक और सुपर सुपर मूवमेंट दिया। ठीक है, अब मैं आपको इसमें गैप अप का लॉजिक भी बताता हूँ।
गैप अप को लॉजिक, दो लॉजिक मतलब गैप अप और गैप डाउन में आपको ट्रेड कैसे करना है वो मैंने इस वीडियो में आपको बताया था कि हाउ टू ट्रेड इन गैप अप और गैप डाउन, ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं तो मैं तो बताया दिया था, तो डिसेंडिंग ठीक है, आपको ट्रेडिंग विद पैटर्न्स, गैप अप छोड़िए, मैंने बता दिया था, फिर भी मैं यहाँ पे बता दूं। जैसे मान लीजिए ये गैप अप, यस्टरडेज क्लोजिंग वाज, यस्टरडे का क्लोजिंग था 17,234 में, ये क्लोजिंग था, मान लीजिए कल का क्लोजिंग था, ठीक है। और इसने गैप अप दिया, इसने गैप अप दिया, आपको इस गैप अप का, तब तक आपको इस गैप अप में एंट्री नहीं लेना है जब तक ये आपके पाइवट लो, इसका जो पाइवट लो है मींस जहां से ये ओपनिंग दिया गैप अप, देखिए इसका क्लोजिंग कहां पे हुआ, यहां पे हुआ, और इस पाइवट लो के ऊपर जब तक सपोर्ट लेके वो ऊपर की तरफ ना भागे तब तक आपको एंट्री लेना है, एंट्री नहीं लेना है। और आपका यहां पे एंट्री कहां होना चाहिए, एंट्री यहां होना चाहिए, ये जो इसका जो गैप अप सॉरी ये जो कैंडल है फर्स्ट कैंडल का जो हाई है इस हाई के ऊपर ही आपको एंट्री लेना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपॉर्चुनिस्टिक होना पड़ेगा, ये नहीं कि जैसे आया हाथ पे खुजली हुआ पैसे आपने एंट्री, देखिए इतना अच्छा से विदाउट मनी कोई आपको नहीं समझाएगा, मैं सिर्फ बिगिनर्स के लिए बोल रहा हूँ, और जो मास्टर है जो ट्रेडर है वो मतलब बहुत बड़े बड़े हैं उनको सैल्यूट है, लेकिन बात बाकी मैं सिर्फ बिगिनर्स के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको ट्रेड कैसे करना है कि जब तक ये पाइवट लो के नीचे आपको कोई भी गैप अप देने के बाद ये आपको क्या बोलता है, आपका ये इस गैप को फील करता है, मान लीजिए यहां से ये का जो गैप है इस गैप को कोई अगर फील करता है तो तब तक आप इसको एंट्री नहीं लेना है, इसमें एंट्री आपको नहीं लेना है, समझ में आ गया। और जब यही एंट्री लेने के मतलब गैप को फील करके सपोर्ट लेके फिर वो वापस इसके जो फर्स्ट कैंडल के जो हाई है इसको तोड़ के वो ऊपर की तरफ बढ़ता है तो आप उसमें एक इजीली इसमें एंट्री कर सकते हो और होल्डिंग बना के आप रख सकते हो। देखिए दूसरा दिन फिर से गैप अप हुआ, इसका यहाँ पे क्लोजिंग आपने यहाँ पे होल्डिंग बनाए रखा था और अच्छा गैप अप देके आपका पैसा बहुत अच्छा बढ़ा दिया, ठीक है। अब गैप अप दिया, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको, यहाँ से गैप अप दिया, गैप अप देने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, क्लोजिंग देने के बाद फिर देखिए सेकंड कैंडल बना या सेकंड थर्ड फोर्थ जहां बने आपका एक पाइवट लो बनाया, फर्स्ट लो कौन सा है, फर्स्ट लो इज हेयर, इसके बाद इसने और लो नहीं बनाया तो फर्स्ट लो जो है इसके बाद यहां से इसने सपोर्ट लेके जो अपसाइड मूवमेंट दिया और इसका जो यहाँ पे आपको एंट्री कहाँ पे करना है, यहाँ पे एंट्री करना है, यहाँ पे आपको एंट्री कर देना और देखिए अच्छा खासा आपको मूवमेंट यहाँ पे मिला, ठीक है। सीधा सीधा यहाँ से आप एंट्री लोगे, अच्छा खासा आपको एंट्री मिला, यहाँ से मूवमेंट मिला और देखिए सपोर्ट लेते हुए फिर आगे आपको हाई भी अच्छा खासा बना, ठीक है, ये तो निफ्टी की बात है। उसके बाद ये हुआ, ठीक है, उसके बाद ये हुआ। अब मैं यहां से सीधा बोलता हूं, यहां से गैप अप का हुआ, उसके बाद देखिए अगर आप बोलोगे इसको हेड एंड शोल्डर अगर बोलोगे तो गलती नहीं है, कोई अगर इसको हेड एंड शोल्डर भी बोल दे तो ठीक है यार, ये चलो चलते हैं हेड एंड शोल्डर भी हम इसे मान के चलते हैं, ठीक है, हेड एंड शोल्डर हमने इसको मान लिया, चलो ये नेकलाइन ड्रॉ हो गया और यहाँ से आपने इसको हेड एंड शोल्डर मान के चला, लेकिन आप तब तक इसे इसे बेरिश नहीं मानोगे जब तक आपको यहाँ से एक डाउन यहाँ से ब्रेक डाउन नहीं हुआ और ब्रेक डाउन मतलब होने के बाद इसमें एक छोटा सा पुल बैक नहीं हुआ तब तक आप इसमें सेल साइड में नहीं घुसोगे, ठीक है, इट कैन बी अ मेजर ट्रैपिंग। और फिर सपोर्ट लेके इसने यहां से अपसाइड मूवमेंट किया और इसके बाद इसमें कोई पैटर्न नहीं बना, ठीक है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट और आगे गया, यहां से गैप अप हुआ, गैप अप ओपनिंग होने के बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट हुआ, फिर जाके एक थ्रोबैक हुआ और फिर जाके एक मूवमेंट हुआ, तो सेफ साइड में आप यहाँ पे एंट्री नहीं लेना जब तक देखिए फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है, तो इसका पाइवट लो कहाँ बना, इसका पाइवट लो आपको देखना है,
इसका पाइवोट लो यहां बना, ठीक है, इसका पाइवोट लो यहां बना, तो आप यहां पे आराम से एंट्री कर लो, यहां पे एंट्री करके आराम से एंजॉय करो और अपना प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर सपोर्ट, तो यहां से एक फिर से हेड एंड शोल्डर टाइप का यहां पे पैटर्न बना, ठीक है, फिर से हेड एंड शोल्डर टाइप का यहां पे पैटर्न बना, या फिर ट्रिपल टॉप भी आप बोल सकते हो, ठीक है, ट्रिपल टॉप या फिर हेड एंड शोल्डर यहां पे बन गया, ठीक है। तो यहां से इसने ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद यहां पे इसका पाइवोट हाई, इसका पाइवोट हाई यहां बना, देखिए ब्रेकडाउन देने के बाद ये ब्रेकडाउन दिया, आपको तुरंत यहां पे सेल नहीं करना है, आपको जब तक इसका पाइवोट सेकंड पाइवोट मतलब फर्स्ट पाइवोट हाई ना मिल जाए आप वहां पे सेल नहीं करना है। तो आपने एक यहां पे पी ले लिया, पी लेने के बाद देखिए आपको अच्छा खासा यहां पे पैसा मिल गया, ठीक है, 100 पॉइंट का तो इजीली मूवमेंट मिल गया। उसके बाद जाके देखिए फिर ऐसे ऐसे बनता गया। तो यही चीज है आपको मार्केट में, जब तक पैटर्न पूरा क्लियर कट पैटर्न बनता है तब तक आपको इसमें इजीली ट्रेड करना है, अगर पैटर्न नहीं बनता है तो जोर जबरदस्ती आपको पैटर्न नहीं बनाना है, ठीक है, पैटर्न बनता है तभी जाके आपको इसमें ट्रेड लेना है। बैंक निफ्टी में भी देखिएगा इसमें एक अच्छा सा फेक ब्रेक मिला था, देखिए यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना या फिर ट्रिपल टॉप बना, फिर जाके इसने एक पुल बैक लिया, ठीक है, एक देखिए फर्स्ट कैंडल के बाद एक पुल बैक लिया, फिर जाके आपने यहाँ से एंट्री ली, यहाँ पे पी ले लिया, फिर जाके देखिए यहाँ पे एक चैनल या फिर रेजिंग वेज भी बना, फिर यहाँ से ब्रेकडाउन मिला, देखिए कितना बन रहा है। तो कल को भी अगर ये यहाँ से देखिए गैप अप होता है, ठीक है, गैप अप होता है, गैप डाउन आपको ऑब्जर्व करना है, जैसे यहाँ से मान लीजिए गैप अप हुआ, आपको यही पैटर्न आपको ऑब्जर्व करना है कि गैप अप होने के बाद उसका पाइवोट लो कहाँ बनता है, फर्स्ट जो उसका कैंडल है उससे नीचे अगर वो गैप को फिल करने की कोशिश करता है, जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है, उस दिन क्या हुआ था, जैसे उस दिन सुबह को ये क्लोजिंग कहां पे हुआ था, 37770 पे इसका क्लोजिंग हुआ था, ठीक है, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि गैप अप होगा और सही में गैप अप हुआ, तगड़ा गैप अप हुआ, 37,900 में 38,000 तक का मतलब लगभग 38,000 तक का टारगेट भी यहाँ पे शो हो गया, लोग यहाँ पे खुशी खुशी एंट्री किए होंगे और इतना जोरदार झटका मिला कि आधा कैपिटल वाइप आउट हो गया होगा, जो थोड़ा सा भी इस चीज को जानता होगा उसको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्या चीज है आपको देखना है कि ये जो इसका पाइवोट लो, पाइवोट लो कहाँ बना, पाइवोट लो यहाँ बना, और उसके बाद जो सेकेंड कैंडल भी बना, देखिए ये इसके हाई को तोड़ के ऊपर नहीं जा रहा है, जब ये फर्स्ट कैंडल के हाई को तोड़ के अपसाइड जाएगा तो इसकी जो क्लोजिंग है इस क्लोजिंग के अप ही आपको बाई करना है, ठीक है, तब तक इसमें कोई कॉल लेने का पोजिशन यहाँ नहीं बन रहा था, यहाँ नहीं बन रहा था, यहाँ नहीं बन रहा था, और उसके बाद मैंने क्या कहा था कि गैप फील नहीं होना चाहिए, जो गैप मेंटेन हुआ, अगर ये गैप फिल हुआ तब तो यहाँ पे कोई एक्शन आपको तब तक नहीं लेना है जब तक आपको क्लियर कंफर्मेशन नहीं हुआ। गैप फिल यहाँ पे हो गया, होने के बाद देखिए इसका गैप फिल हो गया, अब यहाँ पे फिर से टेक ऑफ करने की कोशिश की और इसको भी इसके हाई को भी इसने नहीं तोड़ा, तो फिर हम यहाँ पे एक पी का पोजिशन लेंगे और पी का पोजिशन लेके देखिए कितना अच्छा यहाँ पे मौका मिला। कल का भी जो होगा देखिए यहाँ पे अनडिसाइसिव कैंडल है, एक डोजी टाइप का पैटर्न बना है, इसमें कोई मतलब नहीं बनता, यहाँ पे आप कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते हो कि क्या हो सकता है, ये एक क्या बोलते हैं इसे, आपको बेवकूफ या हमें बेवकूफ बनाने का एक जरिया भी हो सकता है। अगर कल मार्केट गैप अप हुआ मंडे को तो हम देखेंगे ये पाइवोट का चक्कर देखेंगे, और गैप डाउन हुआ तब भी पाइवोट हाई का चक्कर देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली वी विल टेक ट्रेड, ओके। सो देखिए मैंने आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी में या फिर कोई भी स्टॉक्स में आप कैसे चार्ट को प्रैक्टिस करेंगे, फॉलो करेंगे, आपको देख एक समय ऐसा आएगा दोस्तों प्रैक्टिस करते करते ना आपको ये सब पैटर्न ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही समझ जाओगे कि इसमें होना क्या है, क्या कैसे इसका प्राइस एक्शन कहाँ कहाँ क्या क्या ट्रेड कर सकता है, ठीक है। तो इतना ही था दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा है, देखने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं देखना है तो कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल फ्रेंड्स।